डर स्टूडेंट्स असलकम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मानो हाइब्रिड क्रॉस वट मानो हाइब्रिड क्रॉस इज बेसिकली मानो हाइब्रिड क्रॉस इज अ करॉस विच इन्वॉल्व इनहेरीटेंस ऑफ अ सिंगल करेक्टर हमने यहाँ लिखा है क्रॉस इन्वॉल्विंग इनहेरीटेंस ऑफ अ सिंगल करेक्टर यानि एक ऐसा क्रॉस करें एक ऐसा क्रॉस जहाँ पे हम जानेंगे हम स्टडी uh, करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर यानी जहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही करेक्टर के बारे में तो ऐसे क्रॉस जहाँ पे जो हमारा जो हमारा सेंटर ऑफ होगा वो होगा सिंगल कैरेक्टर दैट इज़ वी इन ए क्रॉस वाइल वी स्टडी ए सिंगल कैरेक्टर सच ए क्रॉस इज नोन एज मानो हाइब्रिड क्रॉस तो मैंडल ने ऐसा ही एक क्रॉस किया प्लांट का एक करेक्टर है प्लांट हाइट अब इस हाइट में हम देखते हैं जो पी प्लांट्स मैंडल को अवेलेबल थे उनमें जो पी प्लांट थे कुछ टॉल थे और कुछ डीवारप थे यानी हाइट में उनकी दो वेराइटीज़ थी कुछ लंबे कद के थे और कुछ छोटी हाइट के थे टॉल वर्स डिवारप तो मैंडल ने टॉल का क्रॉस किया डिवार के साथ यानी टॉल और डीवार को कंबाइन करने की कोशिश की मिक्सिंग की कोशिश की टॉल वेरायटीज़ की और डिवार वेराटीज़ की तो यहाँ पे जो क्रॉस किया गया है टॉल का और डिवार का बाकी करेक्टर्स जो प्लांट्स के हैं इनके हम उनको रखते हैं एट कंस्टेंट हम कहते हैं उनमें कोई कोई चेंज नहीं है उनमें कोई वेरिएशन नहीं है हम कहते हैं रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर कंस्टेंट हम यहाँ पे देख रहे हम यहाँ पे इन कंसिडरेशन ले रहे हैं सिर्फ एक कैरेक्टर दैट इज हाइट तो वहाँ हम देख देखते हैं कि यहाँ वेरिएशन है कुछ प्लांट टाल है कुछ प्लांट डिवॉर्प है तो ये हमने दिखा है टॉल वर्स डिवॉलप लेकिन यहाँ बता दो एक बात और बिफोर क्रॉसिंग बिफोर क्रॉसिंग मैंडल इंश्योर्ड दैट प्लांट ही सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग क्रॉसिंग से पहले इन टॉल और डिवारक का क्रॉस करने से पहले मेंडल ने खुद को यह यकीन दिलाया कि वो कि ये ये यह ये, चीज़ ये, ये मेंडल ने खुद को यकीनी तौर पे यकीनी तौर पे यह क्लियर की कि जो प्लांट उसने सेलेक्ट किए हैं वो ट्रू ब्रीडिंग है अब ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है हम ऐसे प्लांट को कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग जो दिखाएगा सेम फिनोटाइप फॉर मेनी जनरेशन देखो इसका क्या मतलब है? हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे इस पर हम हाँ. देखिए अगर हमारे पास कोई प्लांट टाल है चूंकि हमें ऑलरेडी पता है कि प्लांट जो है वो बाइसेक्चुअल है सेलापोलनेटिंग है अब जो ये टाल प्लांट है एक टाइम आएगा फ्लावर आएगा फिर सीड्स आएंगे इन सीड्स को हमने सो किया वहाँ जो प्लांट निकले वो सब के सब टाल है अब जो ये वाले प्लांट है जो अब टाल बने एक टाइम इनका भी आएगा फ्लावर इनमें बनेंगे सीड्स बनेंगे सीड्स को सो करेंगे फिर से टाल तो आगे चल के इनके सीड्स फिर से टाल तो वो प्लांट जो कंटिन्यूसली दिखा रहा है यहां पे सपोज टालेक्टर इसको कहेंगे इट्स ट्रू ब्रीडिंग फॉर टाल ऐसे डिवार के, के लिए सपोज प्लांट डिवार है इसके सीड्स निकाले हमने इनको सो किया वहाँ निकले प्लांट वो सब के सब दीवार फिर जो ये दीवार प्लांट है इसकी सीड्स निकले तो उनको सो किया फिर से हमने नए प्लांट हासिल किए वो सब के सब दीवार तो ऐसे प्लांट्स को जो दिखाएंगे सेम फिनोटाइप फॉर मेनी जनरेशन उनको हम नाम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग यहां ऐसी अगर राउंड की बात करें रिकलेट की बात करें राउंड है राउंड तो 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 दिखाएगा या कंटिन्यूसली रिकलेट दिखाएगा तो उनको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग फॉर राउंड ट्रू ब्रीडिंग फॉर रिकलेट ट्रू ब्रीडिंग फॉर टॉल ट्रू ब्रीडिंग फॉर दीवार क्रॉसिंग से पहले मैंडल ने, ने खुद को इन्श्योर किया कि जो प्लांट उसने सेलेक्ट किए थे वो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट थे तो एक प्लांट टॉल है एक जवाब है तो हमने टॉल को डिनोट किया है कैपिटल टी कैपिटल से और डिवार को स्मॉल टी स्मटी से यहां बता दूं जो कैपिटल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी टी है, सुमार्टी, सुमार्टी है। आ, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा बेटा जेनेटिक्स को अच्छे से समझने के लिए जरूरत है स्ट्रांगली मैं आपको रिकमेंड करूंगा यू हैव टू रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ माइटोसिस एंड मियासिस जो माइटोसिस और मियासिस के चैप्टर्स आपने पढ़े हैं अलेवंथ में आप इनको एक बार फिर से देखें फिलहाल मैं कहूंगा जो यहाँ पे हमने टाल दिखाया है कैपिटल टी कैपिटल टी या डिवरअप दिखाया है स्मॉल टी ये दो बार टी क्यों ये दिखाता है डिप्लॉयड कंपोनेंट हमें पता हो, होना चाहिए जो भी डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारी जो बॉडी अगर हम इंसान की बात करें हमारी बॉडी बनी जो होती है वो बनी होती है डिप्लॉयड सेल्स की तो डिप्लॉयड सेल्स जो है इसमें होते हैं क्रोमोजोम पियर्स जैसे हम कहते हैं हम ट्वेंटी थ्री पियर्स ऑफ होमोलास क्रोमोजोम ऐसे अगर पी प्लांट की बात करें पी प्लांट में होते हैं सेवन पियर्स ऑफ होमोलागस क्रोमोजोम तो जो ये कैपिटल टी टी है या स्मॉल टी स्म ये दिखाता है डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ सेल्स डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अब फिर हमने आगे दिखाया है कि जब मियासिस होगी जब गेमेट्स बनेंगे तब क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो होमोलॉग्स पियर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो गेमेट्स होते हैं हैव गॉट हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो अगर सपोज पी प्लांट है इसका जो इसकी जो बेसिक सेल थी सेल है इसमें अगर क्रोमोजुम नंबर फोर्टीन है जो गेमेट होंगे उनमें सेवन हो, सेवन ही होगा तो ऐसी जैसे अगर हम इंसानों की बात करें हम में होता है क्रोमोजुम नंबर फोर्टी सिक्स आम सेलो में लेकिन जो हमारा गेमेट होगा इट विल हैव ओनली विल्स ट्वेंटी थ्री तो तभी हमने कहा है कि असल में ये कैपिटल टी भी अलग होगा ये कैपिटल टी अलग होगा ये स्मॉल टी अलग होगा दूसरा स्मॉल टी भी अलग होगा अब एक और कन्वेंशन है व्हेन वी हैव गॉट मोर देन वन गेमिट एंड देर आर सेम टाइप हम उनके बदले एक ही लिखते हैं यान यानी यहां पे असल में कैपिटल टी कैपिटल टी दो आएंगे सुमाल टी सम्मॉटी टी दो आएंगे अब दो कैपिटल टी सिमिलर है तो दो के बदले एक लिख रहे हैं दो स्मॉल टी सिमिलर है तो हम दो के बदले एक लिखते हैं तो जब हम उन दो को कंबाइन करते हैं तो वो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी जो ये वाला प्लांट होगा जो अब टॉल और डिवाल के मिक्सिंग से बना

फिर हम F1 वन प्लांट की सेल्फिंग करते हैं सेल्फिंग का मतलब यह है कि यह जो प्लांट एफ वन प्लांट ये ग्रो किया बड़ा हुआ इसमें जो फ्लावर निकल निकल गया तो फ्लावर के सब कुछ नहीं करते हैं। हम उसको कर देते हैं सेल्फोली नेशन हम उसको ऐसे दिखाते हैं कैपिटल टी समॉलिटी इंटू कैपिटल टी समॉल्टी तो यह चीज जो है कैपिटल टी समॉल्टी इंटू कैपिटल स्मॉल स्मोल्टी जो हम दिखाते हैं जब यहाँ पे केमेट बनेंगे तो कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग दूसरा कैपिटल टी अलग स्मॉल टी अलग फिर पॉसिबिलिटी है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल सम्मॉलॉल कैपिटल ये वैसे स्मॉल है पहले फिर कैपिटल लेकिन कन्वेंशन पहले कैपिटल लेंगे आप पहले कैपिटल टी फिर स्मॉल टी फिर स्मॉल टी स्मॉल टी जब हम इनको देखते हैं प्लांट्स को इनमें से कुछ प्लांट अब टाल है कुछ डिवारप है तो हम देखते हैं इनमें से वन टू थ्री जो है टॉल है और एक आता है डिवा प्लांट तो जो ये थ्री टू वन इसको हम कहते हैं फिनिटिफिक रेशियो यानी एफ टू प्लांट जो है एफ टू प्लांट में से टॉल भी होंगे डिवारप भी होंगे इन द रेश ऑफ थ्री टू वन यानी जो बेसिक पेरेंटर्स हैं टॉल और डिवारप वो फिर से हाजिर हो जाएंगे एफ टू में एफ वन में हमें एक ही कैरेक्टर दिखा था एफ वन में हमें दिखा था सिर्फ टॉल डिवार गायब हुआ था लेकिन एफ टू में टॉल भी आ रहा है डिवारा भी आ रहा है इन द रेश ऑफ थ्री टू वन इस थ्री टू वन को हम नाम बोलते हैं मानोहाइब्रिड है फिनोटिपिक रेशियो या इसको हम नाम बोलते हैं मैंडलियन रेशियो तो ऐसी ही अगर मेंडल ने अब यहां पे सेक्स चेंज किया प्लांट में से सेक्स चेंज का मतलब यह है कि हमने लिया था टॉल प्लांट को मेल डिफ को लिया था फीमेल अगर हम रिवर्स करें अगर हम टॉल को अब फीमेल लें डिफ को मेल लें तो जो रिजल्ट हैं दे विल बी सेम इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एफ वन टाल होगा और एफ टू में टॉल और डिवरफ इन द रेशो ऑफ थ्री टू वन आ जाएंगे तो ऐसे अगर मेंडल ने किसी दूसरे कैरेक्टर को स्टडी किया से उसने स्टडी किया राउंड वर्सेस रिकलेट तो यहाँ पे जो करेक्टर इन कंसिडरेशन इट सीड शेप यानी तो कंबाइन तो 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 हो जाएंगे तो एफ वन राउंड होगा फिर हम एफ वन की सेल्फिंग करते हैं हमने कैपिटल है, आर स्मॉल आर इंटू आर स्मॉल आर तो सेल्फिंग जब हम करेंगे तो यहाँ कैपिटल आर एक अलग इसका स्मॉल आर अलग तो इसका कैपिटल आर अलग स्मॉल आर अलग फिर इनको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल कैप्टिलर सम्माल आर स्मालप्टल आर फिर हम लिखते हैं कैपिटल सम्माल मैंने पहले पहले हम कैप्टल लिखते हैं फिर स्मॉल लिखते हैं फिर स्मॉल सम्मोलर स्मॉल आर तो रेशो फिर से आता है इनमें से भी एफ में तीन आते हैं राउंड एक आता है रिकलेड यानी गर्स मेंडल ने जो सात पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए थे अपने काम के लिए उसने जब भी दो वेरायटीज को क्रॉस किया उसने क्या देखा कि एफ में दो पेरेंट्स में से एक ही दिखता है यानी अगर हमारे पास एक पेरेंट राउंड है एक रिक्लिट है तो एफ में राउंड देखता है लेकिन एफ टू में दोनों आते हैं राउंड भी रिक्लिट भी इन द रेश ऑफ थ्री टू वन ऐसे अगर उसने क्रॉस किया येलो सीड वर्सेस ग्रीन सीड तो एफ वन जो था वो येलो ही सीड दिखा वहां पे एफ टू में येलो भी आया ग्रीन भी आया। इन द रेश ऑफ थ्री टू वन अब जो ये क्लास है जहां पे हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर यही मोनोहर क्लास में इसमें जिस चीज पे फोकस करना है जिस चीज पे, पे गौर करना है वो ये है कि जब दो डिफरेंट पेरेंट्स से यहाँ पे राउंड ड्रिक्रेट को मिलाते हैं हम तो एफ वन में एक ही पेरेंट कैरेक्टर दिखता है एफ टू में दोनों आते हैं राउंड बी रिकेट भी इन रेड ऑफ थ्री टू वन ऐसे यहाँ पे जब दो डिफरेंट एक प्लाट टॉल है एक दीवार है तो एफ वन जो है वो एक ही चीज दिखता है पेरेंट्स में से टॉल ही एफ्ट में दोनों आते हैं टॉल बी डिज टू वन तो ये है आपका जो मोनो क्रॉस जो बाकी करेक्टर्स हैं साथ उन सब ने भी ऐसे ही बिहेव किया तो उस करेक्टर इस मोन क्रॉस की बुनियाद पर मैंने ने कुछ लाज दिए उन पर हम इनशाला आगे आएंगे थैंक यू